सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बाल कांड के चतुर्दश सर्ग का प्रारंभ किया था। उस दिन हमने चार श्लोक इसके पढ़े थे, तो एक संवत्सर तक सब तैयारियां करने के बाद और ऋषि श्रृंग को आगे करके पुरस्कृत किया, जो श्रेष्ठ विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ से संबंधित कर्मों को प्रारंभ किया। क्या क्या कर्म हैं वो बताएंगे, ये आगे कैसे शुरू किया अभी तो वैसे ही बता रहे हैं। कर्म कुर्वंती विधिवत याजिका वेद पारगाहा, जो वेद में पारंगत याजक गण हैं वो कर्म कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, यथा विधि यथा न्यायम और परिक्रामंती यथाक्रम, किस क्रिया के बाद कौन सी क्रिया करनी है, तो ये क्रम भी वैसा ही है जैसा शास्त्र में बताया है, विधि भी वैसी ही है और यथा न्यायम न्याय संगत भी। प्रवर्ग्य, प्रवर्ग एक कुछ विशेष मंत्रों से विशेष आहुतियां दी जाती हैं, तो एक कर्म विशेष है ये। प्रवर्ग्यम शास्त्रतः कृत्वा, उन ब्राह्मणों ने प्रवर्ग्य नाम की जो विधि है उसको जैसा शास्त्र में कहा है वैसा ही करके, तथैव उपसदम द्विजाः, उसी प्रकार से वो बैठे हैं। बैठने का भी क्रम होता है, ऋग्वेद के मंत्र बोलने वाले कौन सी दिशा में बैठेंगे, फिर यजुर्वेद वाले, सामवेद वाले, अथर्ववेद वाले, ब्रह्मा, सब किस किस दिशा में बैठेंगे, कौन से मंत्र कौन बोलेगा, कौन सी क्रिया को कौन पुरोहित करेगा, ये सब सुनिश्चित होता है। ऐसे नहीं होता कि कोई कुछ भी कर दे। कुछ आहुतियाँ केवल यजमान को देनी होती हैं, कुछ आहुतियाँ केवल अध्वर्यु को देनी होती हैं। अध्वर्यु होता है जो यजुर्वेद के मंत्र कर पाठ करने वाले जो चार ऋत्विक हैं उनमें जो सबसे प्रधान होता है उसको अध्वर्यु कहते हैं, और ऋग्वेद का पाठ करने वालों में जो मुख्य होता है उसको होता कहते हैं। तो होता आदेश देता है, पहले ब्रह्मा मौन रूप से इशारा करता है, फिर होता निर्देश करता है, फिर अध्वर्यु उस कर्म को संपन्न करता है, तो ऐसे सुनिश्चित होता है वहां पर। तो उसी प्रकार से ये यज्ञ चल रहा है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा तो था नहीं, कोई प्रश्न जैसा तो, कोई प्रश्न तो नहीं है ना किसी का? जी बोलिए दीदी। ओ अश्वमेध यज्ञ में दीदी घोड़ा क्यों छोड़ा जाता है? एक प्रथा है वो कि जहाँ जहाँ तक घोड़ा जाएगा तो उसका कोई विरोध करेगा तो उसको युद्ध करना पड़ेगा उस राजा के साथ, और अगर वो उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं तो उसको गिफ्ट देते हैं। फिर एक विधान है, तरीका है। ओम दीदी जी, आपने बताए थे श्रीमान और मानवर और भ्राताश्री, इसमें भी पद होता है, ऊंचा पद और नीचा पद, इसमें भी पद होता है? ऊंचा नीचे की बात नहीं होती, हर शब्द की अपनी एक शक्ति होती है जी। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ऊंचा क्या है नीचा क्या है। जैसे एक वृक्ष है तो उसको वृक्ष भी कहते हैं, पादप भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं,
तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें ऊंचा कौन सा शब्द है। एक ही वृक्ष में अलग अलग गुण होने के कारण उसकी तीन संज्ञाएं होती हैं। औवृश्चो छेदने, उसका छेदन किया जाता है, काटा जाता है उसको, इसलिए वृक्ष कहते हैं। पैर से पीता है वो, सब प्राणी तो मुख से पीते हैं पानी आदि लिक्विड, और वृक्ष पैर से पीता है, नीचे से जड़ से पीता है ना, तो इसलिए उसको पादप कहते हैं। तो ऐसे हर शब्द की अपनी अपनी अलग शक्ति होती है। तो एक ही मनुष्य में अनेक शक्तियां होती हैं, तो वैसा ही उसको संबोधन किया जाता है। एक ही मनुष्य किसी का पिता होता है, किसी का पुत्र होता है, किसी का भाई होता है, किसी का बॉस होता है, किसी का मामा होता है, किसी का चाचा होता है, जीजा होता है, पता नहीं कितने ऐसे बहनों के भी होते हैं बहुत सारे, तो उनमें अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। ऐसे ही ईश्वर में अनंत शक्तियां हैं। मनुष्यों में तो अनेक शक्तियां हैं, लेकिन तो भी ईश्वर की अपेक्षा से लिमिटेड हैं, लेकिन ईश्वर में अनंत हैं, जिसका आज तक कोई अंत नहीं मिला। तो हर नाम का, हर संज्ञा का अपना एक शक्ति विशेष है, अपना महत्व विशेष है। ओम दीदी जी, आपने पिछली कक्षा में बताया था, अगर हम किसी कारणवश जीभ से मंत्रों का उचित उच्चारण नहीं करते, शुद्ध उच्चारण, तो हमें उन मंत्रों का कहने का मतलब लाभ प्राप्त होने की जगह और दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। और हमारे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मंत्रों में हम सिर्फ वही तो बातें कहते हैं कि ईश्वर हमें मतलब हमारे मन को पवित्र करो या ऐसा कुछ कहते हैं, अगर हम उसी बात को हिंदी में बोल दें, कोई दिक्कत नहीं, बोल दो, तो उसमें भी हमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? अगर हम जैसे भजन होते हैं, बड़े बड़े मतलब कवि जो होते हैं वो भजन लिखते हैं, अगर हम उस भजन को गाते हैं, मंत्र हम नहीं बोल पाते, तो हमें उससे बेनिफिट मिलेगा? हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। जो कह रहे हैं वो स्पष्ट कहें, आपके शब्द भी स्पष्ट हों, भाव भी स्पष्ट हों, तो उसका उत्तर मिलेगा। दीदी जी, मतलब ये यज्ञ पुत्र के लिए हो रहा है ना, तो अश्वमेघ अश्वमेघ बार बार क्यों बोल रहे हैं? उसी से ही, उसी में ही पुत्र उत्पत्ति की आहुतियां दी जाती हैं, अश्वमेध यज्ञ में ही। इष्टी है वो तो, एक पुत्रेष्टि, तो ये दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, राज्य का भी विस्तार, संतति का भी विस्तार, अश्वमेध यज्ञ। और वो कोई राजा महाराजा ही कर सकते हैं, आम आदमी नहीं कर सकता है। अष्टी, अष्टी क्या होती है जो? अष्टी नहीं, इष्टी, इष्टी, इष्टियां होती है कुछ मंत्रों का समूह, जैसे मासेष्टि, पूर्णमासेष्टि, वर्षेष्टि, तो महीने में जो इष्टि की जाती है उसको पूर्णमासेष्टि कहते हैं, जो अमावस्या और पूर्णिमा को की जाती है। तो इसमें खाली पुत्र का ऐड होगा वो कुछ मंत्र बस? हाँ पुत्र, बस इतना ही। पुत्रेष्टि, पुत्रेष्टि के कुछ मंत्र हैं, उससे आहुतियां दी जाएंगी। तो चलो आगे चलो, अभी चलिए। अभी पूज्य तदाहृष्टा सर्वे चक्रु यथा विधि, प्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि मुनि पुंगवाः, ऐन्द्रश्च विधिवत् दत्तो राजा चाभिषुतो नघ, माध्यं दिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम्। अभिपूज्य तदा हृष्टः सर्वे चक्रु यथा विधि, तदा तब सर्वे सभी हृष्टः अभिपूज्य, हृष्टः हर्षित हुए, सभी जो वहां पर मुनि जन थे, विद्वान जन थे, ब्राह्मण जन थे, मुनि पुंगवाः जो भी विद्वान जन थे, मुनि पुंगवाः सर्वे हृष्टा, तदा तब सभी प्रसन्न होकर के, और अभिपूज्य माने उनका पूजन हो चुका है, पूजित होकर के, प्रातः सवन पूर्वाणी कर्माणी चक्रु यथा विधि चक्रु, प्रातः सवन के जो मंत्रों से जो कर्म करने थे वो उन सब ने प्रसन्न होकर के और राजा से अभिपूजित होकर के उन सब कर्मों को
संपन्न किया, चक्रु मतलब संपन्न किया। अभी पूज्य माने पूजित होकर के, प्रातः सवन, तीन सवन होते हैं यज्ञ में, प्रातः सवन, माध्यान दिन सवन, सायं सवन। सुबह अलग मंत्रों से यज्ञ किया जाता, आप भी तो सुबह बोलते हो ना, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य, बाकी तो कॉमन होते हैं लेकिन तीन मंत्र अलग होते हैं। और शाम को यज्ञ करना हो तो अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि वहां से शुरू होगा। तो ऐसे ही जो बड़े याग होते हैं उनमें कुछ मंत्र और कुछ विधि विधान कर्म वो सुबह करने के होते हैं, तो उसको कहते हैं प्रातः सवन, फिर एक होता है माध्यान दिन सवन, और एक होता है तृतीय सवन माने सायं सवन, उसको तृतीय सवन कहते हैं। तो इन्होंने प्रातः काल का जो भी इनको स्वस्ति वाचन आदि जो करना था उसको पूरा किया खुश होकर के। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म करें तो कैसे करें, हृष्टाहा, बोझिल होके ना करें। जो भी कर्म करें, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो यज्ञ करते हैं, चाहे वो अपना नौकरी पेशा करते हैं, चाहे प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, शास्त्र स्मरण करते हैं, जो भी कर्म करते हैं उसको प्रसन्नचित्त होकर के करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक कहा योग दर्शन में, सत्कारा सेविता, आसेवन तो कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा भक्ति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो फिर वो करके भी न किए जैसे हो जाता है। प्रातः समन पूर्वाणी कर्माणी मुनि पुंगवाहा, तो उन सब ने मिल करके प्रातः समन के मंत्रों से जो क्रियाएं होनी थी उन सबको संपन्न किया। आइंद्रश्च विधिवत दत्तः राजा च अभिषुत अनघः माध्यान दिनम च सवनम प्रावर्तत यथाक्रमम। और करें वैसे ही आइंद्रश्च राजा विधिवत दत्तः, इंद्र देवता के लिए, यज्ञ का देवता इंद्र है, उस यज्ञ के देवता या यज्ञ के राजा इंद्र देवता के लिए विधिवत दत्तः, उसके सबसे पहले आहुतियां इंद्र के लिए दी गई। अपने वाले यज्ञ में पहले किसके लिए दी जाती है, अग्नि के लिए दी जाती है, ओम अग्नये स्वाहा, फिर सोम के लिए दी जाती है, सोमाय स्वाहा, फिर प्रजापतये स्वाहा, फिर इंद्राय, चौथे नंबर पे आता है इंद्र का, पहले अग्नि को दी जाती है। यहां सबसे पहली आहुति किसको दी, इंद्र को। ऐंद्रश्च विधिवत दत्तः, इंद्र के लिए विधि पूर्वक दत्तः दी गई। और अभिषुतो अनघः, अभिषुत मतलब निचोड़ना, शुई अभिषवे, और निष्पाप अनघः, अघ माने पाप, अनघ माने निष्पाप, जो निष्पाप सोम है उसको निचोड़ा गया माने पापों का जो नाश करने वाला है। तो यज्ञ का जो पूर्णता है वो है सोम पान करने के ऊपर। तो यहाँ प्रत्येक समन के बाद सोम पान किया जाता है, तो इसलिए कहा कि उसको राजा च अभिषुत अनघः, सोमराज को निचोड़ा गया। यज्ञ का राजा होता है ये सोम, यज्ञ की आत्मा होती है इदं न मम। अगर इदं न मम की भावना हमारे अंदर नहीं आई तो फिर ऐसा होगा कि जैसे कोई शरीर तो है लेकिन उसमें आत्मा ना हो, डेड बॉडी जैसे। तो वो हवन कैसा हो जाएगा, केवल देखने में तो अच्छा होगा लेकिन वो कुछ प्रतिफल नहीं दे पाएगा। जैसे कोई कितना भी सुंदर शरीर क्यों ना हो लेकिन उसमें आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है, तो वो शरीर कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही यज्ञ करते समय यदि इदं न मम की भावना नहीं है, भावना ये है कि इदं मम ये मेरा है और करने वाला मैं हूँ, अगर ये अहंकार आ गया तो फिर वो कर्म, उस व्यक्ति का किया हुआ कर्म ऐसे होगा जैसे कर्म तो है पर उसमें आत्मा नहीं है। तो बिना आत्मा का शरीर किसी काम का होता है क्या, तब तो उसको उठा के जला देते हैं, किसी काम का नहीं होता है बिना आत्मा का शरीर। तो ऐसे ही अहंकार की भावना से किया हुआ काम किसी काम का नहीं होता है।
विनम्रता से, श्रद्धा से, भक्ति से, प्रीति से जो कार्य किया जाता है वो ही फलदायी होता है, वो ही खुद को और दूसरों को प्रसन्नता देने वाला होता है। इसी प्रकार से राजा होता है कौन? सोम। यज्ञ का राजा कौन है? सोम। जीवन यज्ञ का राजा कौन है? सोम ही है। सोम के दो अर्थ हैं, सोम का मतलब सौम्यता और सोम का मतलब है जिसको योग दर्शन में कहा काय संपत्त। काय संपत्त क्या है? सूत्र पढ़ा आपने, योग दर्शन याद कर लिया तो उससे पहले वाला सूत्र बोलो, काय संपत्त से ऊपर वाला। काय संपत्त कब प्राप्त होती है? तद धर्मान विघातश्च। पूरा सूत्र बोलो। ततो निमादि प्रादुर्भाव, ततः अणिमादि प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव काय संपत्त तद्धर्मान विघातश्च। विघातश्च। और ये कब होता है अणिमादि का प्रादुर्भाव? कब होता है? उससे ऊपर वाला सूत्र क्या है? भूत जय स्थूल स्वरूप सूक्ष्म व्यार्थत्व अन्वयार्थत्व। हाँ, भूत जय, भूतों के ऊपर विजय प्राप्त कर ले व्यक्ति। और भूत विजय मतलब स्थूल शरीर की जो स्थूल इंद्रियां हैं इन पे व्यक्ति विजय प्राप्त कर ले, यह है भूत जय। कभी आप सोचो कि हम तो जब चाहेंगे तब बारिश होगी, वो भी होगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी इसकी? जो स्थूल पांच भूतों से बना हुआ शरीर है, पंच भौतिक वाणी है, पांच भौतिक जो चक्षु हैं, श्रोत्र हैं, हाथ पैर हैं, ये सारा जो स्थूल शरीर है ये किससे बना है? पांच भूतों से। तो इनके ऊपर जब विजय प्राप्त कर लेंगे हम तो क्या होगा? ततः अणिमा आदि प्रादुर्भाव, तभी सिद्धियों की अभिव्यक्ति होने लगती है, व्यक्ति को अंदर से सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए हारने में कोई दोष नहीं है। कभी कभी व्यक्ति को जीवन में हारना पड़ता है ना, दूसरों से अपमानित होकर के बैक गियर लगाना पड़ता है, लेकिन उसमें आध्यात्मिक दृष्टि से कोई हानि नहीं है। लौकिक दृष्टि से तो हानि होती है, लौकिक दृष्टि से उस व्यक्ति को हेय समझा जाता है, दूसरे को श्रेय समझा जाता है, आध्यात्मिक दृष्टि से लेकिन फायदा ही होता है। अपमान तो अमृत के बराबर होता है और सम्मान विष के बराबर होता है अध्यात्म में, क्योंकि उस व्यक्ति को अपमान मिला तो उसको, उसने जो पुण्य किया था वो बच गया उसका, तो अच्छी बात है। तो अगर आपने पुण्य किया और आपको स्टेज पे बुला लिया और आपको आशीर्वाद मिल गया तो आपका पुण्य खत्म, जितना कम आया था वो खर्च कर लिया। और आप बहुत सेवा करके पुण्य करके कभी स्टेज पे ना बुलाए जाएं तो फिर अपना सौभाग्य समझना कि पुण्य किया था और वो बच गया, लेकिन वहां तो फिर आदमी को बुरा लगता है ना, कितनी सेवा की थी और किसी को, दूसरे को बुला रहे, मेरे को बुला नहीं रहे। तो लौकिक दृष्टि से वो अच्छा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो अच्छा है। इसी प्रकार जब कभी कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमारे को ब्लेम करता है और हम अपनी स्थूल वाणी को संयमित रख लेते हैं, बोलते नहीं है कुछ भी उल्टा सीधा, हम उसको सुना सकते थे लेकिन नहीं सुनाया, हम हाथ से पिटाई कर सकते थे लेकिन हमने पिटाई नहीं की, हमने संयम किया, तो उससे क्या होगा? फिर ततः अणिमा आदि प्रादुर्भाव, अणिमा महिमा गरिमा ये सिद्धियां है ना, तो महिमा कब बढ़ती है? पिटाई करने में कि पिटाई ना करने में? ना करने में, ना करना ज्यादा कठिन है, पीटने में तो क्या कठिनाई है, किसी ने छेड़खानी की और झट उसको मारा। यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो कोई कोई ऐसे उनके वो हैं टीचर, कोई कोई तो ऐसे हैं कि उनके साथ संघर्ष करते हैं, उनको समझाते हैं, तो कोई कोई ऐसे हैं कि तुरंत डंडा मारते हैं, तो वो तो बहुत सरल है फिर, तुरंत डंडा मारना, तुरंत थप्पड़ मारना और उसको ठीक करना वो कठिन है। अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत्त
तद धर्मा अनभिघातश्च, उनके जो धर्म हैं भूतों के वो इसको अभिघात नहीं करते हैं फिर। और काय संपत भी उत्पन्न होता है, काय संपत क्या है वो अगले सूत्र में बताया, रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत। तो रूप का मतलब, रूप तो बोल जो रूप कैसे मिलेगा, रूप तो भगवान ने एक बार जो दे दिया सो दे दिया, नहीं ऐसा नहीं है। रूप का मतलब फीचर्स नहीं है, रूप का मतलब कलर नहीं है, रूप का मतलब है एक जो आध्यात्मिक ओज तेज होता है उसको रूप कहा है, रूप लावण्य। और ये रूप लावण्य बल वज्र, वज्र जैसा शरीर, ये कब मिलता है, जब व्यक्ति अपने शरीर की जो शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग नहीं करता है, उनका हनन नहीं करता है, उसी को यहां पर सोम कहा है। राजा च अभिषुत, राजा का मतलब है यहां सोमराज, सोम राजा। खाना खाने से सात धातुएं बनती हैं, अंतिम धातु सातवीं धातु है वीर्य, और उससे भी अंतिम धातु है ओज, ओज तेज, वो सोम है। तो वहां तक जो पहुंचेगा उसका यज्ञ पूरा होगा, जीवन यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। जीवन हम साथ साथ लेके चल रहे हैं ना, बाहर का अश्वमेध यज्ञ और एक अपने जीवन का अश्वमेध यज्ञ, मतलब हमारा कहाँ कहाँ तक काबू है। हमारे भी तो प्राण का घोड़ा दौड़ रहा है ना शरीर में, तो प्राण की कौन कौन सी शक्तियों के ऊपर हमारा कंट्रोल है और कहाँ कहाँ हम फेल होते हैं, तो ये हमारे यज्ञ की परीक्षा है, जीवन यज्ञ की। हम जो भी बोलते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, खाते हैं, कोई भावना करते हैं, ये सब प्राण के ही कार्य हैं। व्यक्ति की स्थूल चेष्टाएं शरीर की वो भी प्राण से होती हैं, और व्यक्ति की मानसिक चेष्टाएं वो भी प्राण से होती हैं, व्यक्ति की हृदय की भावनाओं की चेष्टाएं वो भी प्राण से होती हैं। तो प्राण का ही विस्तार है ये सारा। तो जिसके प्राण सशक्त होंगे वहां तक उसका आधिपत्य है, अपने प्राण पे जितना कंट्रोल है। और कंट्रोल कैसे होगा, यज्ञ करने से। और यज्ञ पूरा कब होगा, जब उसमें इदं न मम की भावना हो और सोम का पान हो। सोम निचोड़ा गया ना यहाँ पर, राजा च अभिषुत अनघः, सोमराज। और वो सोमराज कैसा है, अनघः, पाप का नाश करने वाला। तो पाप का नाश करने वाला क्या है, ब्रह्मचर्य, एक शब्द में कहें तो। इसलिए पांच महाव्रतों में एक ब्रह्मचर्य भी बोला ना, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचारी होगा वो पापों का नाश करेगा, जो ब्रह्मचारी नहीं होगा तो पाप उसको चिपट जाएंगे और ज्यादा। तो यही बात यहां कही जा रही है। ऐन्द्रश्च विधिवत दत्त, राजा च अभिषुत अनघः। प्रातः समन में ही, प्रातःकालीन समन में ही विधिवत इंद्र राजा को, इंद्र शक्ति का प्रतीक है तो इंद्र के लिए, और जब जीवन यज्ञ है तो वहां आत्मा को ही इंद्र कहा है, तो अपनी आत्मा के लिए सबसे पहली आहुति देना है। हम आहुतियां पूरे दिन भर किसके लिए देते हैं, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए, भोगों के लिए, आत्मा के लिए आहुति तो कभी कभार दे देते हैं, मतलब कभी बहुत ज्यादा परेशान हो तो फिर बैठ करके हम आत्म तत्व का चिंतन करते हैं या फिर भगवान से प्रेयर करते हैं, वो आत्मा के लिए आहुति है। हमारे अस्तित्व में तीन चार लेयर हैं, एक तो शरीर, शरीर की आहुति तो रोज सब देते हैं, दो तीन बार देते हैं, और मौका लगे बीच में कोई दे तो बीच में भी खा लेंगे, ये तो शरीर की आहुति हो गई। फिर प्राण की आहुति है प्राणायाम, फिर मन बुद्धि की आहुति है ध्यान स्वाध्याय, और आत्मा की आहुति क्या है, आत्मा किससे तृप्त होता है, नहीं
समाधि से, आत्मा के समाधान होते हैं समाधि में, जब वो निर्विषय हो जाता है ना, जिसका सांख्य दर्शन में जो ध्यान की परिभाषा की, ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान क्या है, मन का निर्विषय होना। निर्विषय का मतलब क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके पार, अर्थात संप्रज्ञात समाधि, वहां ध्यान का प्रवेश होता है। उससे पहले ध्यान की तैयारी है, जो हम क्रियात्मक ध्यान करते हैं ना, गुरु जी बोलते रहते हैं हमारे को, उस चेतना से परिचय करवाते रहते हैं और हम वैसा वैसा सुन के वैसा वैसा बनते हैं, तो उस समय हमारे कान काम कर रहे हैं, तो हम निर्विषय नहीं है उस समय। हमारे चित्त के सामने विषय है, कौन सा विषय है, शब्द विषय है, हम शब्द सुन रहे हैं, तो कभी शब्द होता है, कभी स्पर्श होता है, कोई गुरुजी ने सिर पे हाथ रख रखा है और इसको कहा कि ध्यान में चले जाओ, तो अब ये ध्यान में तो जा रहा है, लेकिन एक विषय है अभी चित्त के सामने, कौन सा है, स्पर्श। तो ऐसे जो योग दर्शन की भाषा में जिसको ध्यान है कहा है, वो है निर्विषयम, ध्यानम निर्विषयम हो जाता है। रात को तो हम रोज निर्विषय होते हैं ना, हमें निर्विषय होना आता है, हमारी प्रैक्टिस है रोज की, हम रोज ही रात को निर्विषय ही होते हैं। जैसे ही नींद आई तो ना शब्द होता है, ना स्पर्श, ना रूप रस गंध, कुछ नहीं होता है सोने वाले के पास में, लेकिन जागते हुए उसको करना वो श्रम साध्य है। रात को जो होता है वो भगवान की क्रिया से होता है, एक ऑटो सिस्टम काम कर रहा है वहां पर। वहां आप जैसे ही बिस्तर पे गए तो एक ऐसा भगवान का सिस्टम काम कर रहा है, आपको नींद आ जाती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको केवल वहां जाके लेटना भर है बस। लेकिन अगर आप दिन में बैठ करके उस स्थिति को लाना चाहें, निर्विषय मन को बनाना चाहें, तो फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हो तो जाएगी, आत्मा को आता है करना, तो वो आत्मा का भोजन है। तो इसलिए इन्होंने पहली आहुति किसको दी, आत्मा को। हम उल्टा करते हैं, पहली आहुति देते हैं हम शरीर को, लेकिन जो योगी होते हैं जिनको अपना जीवन यज्ञ पूर्ण आहुति तक ले जाना है, वो पहले सबसे पहले आहुति देते हैं आत्मा को। इसलिए जितने भी योगी जन हैं वो सुबह सुबह उठते ही पहला काम करेंगे ध्यान एक घंटे का। तो पहले आत्मा को तृप्त कर लो, उसको भोजन खिलाओ सबसे पहले, फिर प्राण को खिलाओ, मन को खिलाओ, बुद्धि को खिलाओ, फिर लास्ट में 8-9 बजे यज्ञ आदि करके शरीर को खिलाओ। और भोगी लोग क्या करते हैं, आंख खुलते ही बेड के ऊपर ही पहले तो चाय बिस्किट ला के दो उनको, पहले शरीर को खिलाते हैं, वो कुल्ला भी वहीं बैठ के कर लेते हैं, ये ठीक विधि नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बाहर का जो यज्ञ हो रहा है तो सबसे पहली आहुति दी गई है इंद्र देवता को, और पापों के नाश करने वाले सोम औषधि को, सोमवल्ली को निचोड़ा गया है।